दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु के सामने आएगा बहुत ही बड़ा राज, वो भी आरोही का। अब तक तो अभिमन्यु को यही लग रहा था कि वो आरोही उससे प्यार करती है और इसीलिए उसने शादी के लिए उसको प्रपोज भी कर दिया। साथ में रीजन अक्षरा को चिढ़ाने वाला भी है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि आरोही किस तरह से अक्षरा को उससे दूर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जल्दी ही हमें देखने को मिलेगा ये वाला हिंट भी। जी हाँ दोस्तों, आरोही अक्षरा के बीच में एक बार फिर से झगड़ा होने वाला है, ड्रेसेस और इन सब चक्रों को लेकर भी, और वो हर बार इसी तरह से नौटंकी करते नजर आएगी। वह यहाँ पर होने वाली है डांस प्रैक्टिस शादी के लिए, जिसमें कि अक्षरा डांस की प्रैक्टिस करते नजर आएगी और आरोही कहीं ना कहीं अक्षरा को यही कहेगी कि तू मेरे अभी से दूर ही रह, जब तू इसके साथ नहीं रह सकती, मैंने तुम्हें कहा ना, अब अभिमन्यु तुझसे कभी प्यार नहीं करेगा और उसे काफी कुछ सुना देगी। जिसके चलते हुए अभिमन्यु को पता चलेगा कि आरोही के कहने पर ही अक्षरा उससे दूर हो रही है और वो जानबूझकर ये कर नहीं कर रही, उसकी कोई मजबूरी है और वो है आरोही। जिसके बाद में यहाँ पर आरोही का असली चेहरा अभिमन्यु के सामने आ जाएगा और अभिमन्यु ठान लेता है कि वो अब ये सारी सच्चाई सबके सामने भी लेकर आएगा और अक्षरा से अपने प्यार का इजहार करवा के ही रहेगा। जिसके चलते हुए अभिमन्यु उसे और भी ज़्यादा टॉर्चर करने वाला है, तो वही नील के सामने भी ये सच आ जाएगा आरोही का कि आरोही की वजह से अक्षरा शादी से पीछे हट रही है। जिसके चलते हुए यहाँ पर नील ही शादी के मंडप में बैठने वाला है, तो वहीं पर देखने को मिलेगा कि अक्षरा को अभिमन्यु इतना बुरी तरह से परेशान करेगा और गुस्से में अक्षरा भी अपने प्यार का इजहार सबके सामने कर देगी। तो काफ़ी कुछ ड्रामा शो में हमें देखने को मिलने वाला है। अब देखते हैं कि आरोही और अक्षरा की शादी कैसे मंडप में होती है।